जी नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों का ताता लगा हुआ है, यह ताता जो चीख और पुकार की है, चीख चिल्लाहट की है। जानते हैं बड़े बड़े बिहार में दावे किए जाते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन यह दावा धरातल पे सच नहीं होता दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं यह एम्बुलेंस लगा हुआ है और इस एम्बुलेंस में लाश पड़ा हुआ है यहाँ देख सकते हैं, और यह रतनिया है और आप रो रहे हैं, के लगेंगे भाई है क्या, कैसे हत्या हुई है इनकी? इनका हत्या वो आदमी मतलब फोन कर करके बुलाया गया है। मिल के मारा है इसको। कौन मारा है? बालू मंडी के लोग, व्यापारी लोग और ड्राइवर मिल के इसको मारा है। 500,000 रुपया के बजट के चलते मालिक चलते भाई, मतलब मालिक के ड्राइवर मालिक सके बोला के जितना गरीब आदमी मर गया, बाल बच्चा नहीं बचे, बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं मतलब है। आप देख सकते हैं यहाँ 2-4-10 रुपए के लिए लोगों को हत्या हो जाता है। यही बिहार के सुशासन की सरकार है। बड़े बड़े दावे यहाँ धरातल पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ लोगों को मतलब गरीब घर को उजाड़ा जाता है। गरीब घर में कहीं लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं है? अगर प्रशासन से कहा जाए कि हमारे पति हैं। देख रहे हैं इनके आवाज नहीं है। और देख क्या आपको क्या न्याय चाहिए कि नहीं? न्याय चाहिए। जो इनका हक अधिकार है, जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए इनको। लेकिन जितना ड्राइवर है इंजीनियर मतलब मालिक है ड्राइवर बोला मालिक है। इस सब बाल बच रहे हैं, घर तो नहीं है मतलब है। मारने का कारण क्या है? मारे करे मतलब बालू के मंडी में बालू लोड करके ले गया मालिक सके। अच्छा, मालिक से बोलाई मतलब भुगतान। हमरा घर वाला के फोन कर के शाम में फोन, पहले से कोई झगड़ा था? कुछ ना भैया, हो ककरो से ना, मंडी भर में हम अपने खाना लेके आवे रही हो भैया, रोज खाना पैदल आके चबरुआ से देके किया के राज के जा, कल जब धैली चाय बनावेला तो कलन फोन आ गेला, तो बाथरूम में बैठे रह त कलन कथी फोन आ गेल उठावे, त हम कहली हमरा न बुझा ले से हम कैसे उठे त लाब, त बाथरूम में कैमरिया लगा के उनका के दे देली फोनवा धरा कथी कहि दुआ आहो बालू चला ना हो सिमंगा जी वहाँ बोलू अथी बालू गिरावे 9 मिनट में लाग जाता है, सवेरे 9 बजे पहले गिरा के चढ़ गया 4 बजे तेरे बोर। वो कौन आदमी था? रमेश। सात सात किससे फोन कर ले बात सात बा रमेश मंडी का है, वो गाड़ी चलाते थे उनसे बात और पोखरा पोखरी पा घर वाला रमेश। आपको क्या लगता है कोई रिश्तेदार ना कोई रिश्तेदार मैंने बालू हमारे घर वाला लेके बेचारा मुजफ्फरपुर मैंने मंडी में लगा के ग्राहक रहुआ हम अली ना पंच भगवान पैसा दे के बेच के ले गए। तो देख सकते हैं इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, यही लोग जानते हैं और आसपास के लोग जानते हैं। मंडी में इस तरह का धांधली मतलब समझिए किसी से धांधली होता है क्या? क्या यहाँ कोई साजिश है? क्या साजिश है यहाँ जो है? ड्राइवर लोग ये वो क्या करते थे कि भाड़ा अपना जल्दी डेली लेके चल देते थे, कोई बात कर रहा है दूसरा काम में चल जाते थे, इनको साजिश के तहत मारा गया है। और एक बात और कहना चाहते हैं, सरकार जिसका रहे प्रशासन को जब कल मुजरिम एक शक के मुताबिक तो पकड़ाया, वो क्या कर रहे हैं अभी तक कॉलेज डिटेल निकाल रहे हैं? आप लोग से पूछना चाहते हैं, आवेदन दिए थे? आवेदन दिया हुआ है। छानबीन किया कि कुछ नहीं? प्रशासन को हम लोग बताए कि फल्ला पर शक जा रहा है, जो फोन किए मरने वाले मृतिका के पत्नी के पास उस आधार पर पकड़ाया, अभी कॉल डिटेल प्रशासन नहीं निकाले हैं। कितना दिन में कॉल डिटेल निकलता है? प्रशासन को अभी तक कॉल डिटेल निकाल के मुजरिम प्रशासन इसमें संलिप्त है ना? देखिए नहीं संलिप्त नहीं है, हमारा कहना है कि जब प्रशासन के पास एक मुजरिम पकड़ाया उनके पास मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है, जिस मोबाइल से मृतक के पत्नी के पास कॉल आया लास्ट तक उसका कॉल डिटेल निकाल के उनको से अभी तक कार्रवाई किया करना चाहिए ना। जानते हैं बिहार में प्रशासन जो है वो 10-20 रोड पर लेने के लिए 50 रुपए लेने के लिए खड़ा रहता है, और 50 रुपए अपराधी को पकड़ना हो तो अपराधी उनसे पकड़ाता नहीं है। तो सुने हैं आपने जो लोगों का राय अपनी बातें रखे हैं, तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिहार में क्या चल रहा है ये भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।